नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी आज की इस न्यू वीडियो में। मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं कैरियर ग्लोज यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की तरफ से निकाली गई जॉब अपडेट के बारे में। BIS की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट किया गया है, वेरियस पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज आउट की गई है। यहाँ पर मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ इसके शॉर्ट नोटिस को। यहाँ पे सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पे मांगी गई है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। इसके लिए वीडियो को एंड तक वॉच करें और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए। डेली ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है इस चैनल पर ऑफिशियल नोटिस के साथ में। तो इसी के साथ में आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे बात करें इनके ऑफिशियल नोटिस की, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की तरफ से निकाला गया ऑफिशियल नोटिस है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पे दिया गया है। बाकी अगर हम यहाँ पे बात करें वैकेंसीज की, तो यहाँ पे जो वैकेंसी रहने वाली है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपका रहेगा, जो की आपका BIS हेडक्वार्टर में डिप्यूशन किया जाएगा न्यू दिल्ली में, प्लस आपके BIS के जो भी लोकेटेड आपके इंडिया में जो भी आपके कंट्री में लोकेटेड इनके ऑफिस है वहाँ पे आपको लोकेटेड यहाँ पे जो डिप्यूशन किया जाएगा। बाकी डिटेल ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो डायरेक्टर लीगल में आपकी जो पोस्ट रहेगी लेवल 12 का यहाँ पे पेज के रहने वाला है, 56 मैक्सिमम एज रहेगी, 1 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। ग्रुप ए की जो पोस्ट रहेगी वो आपकी असिस्टेंट डायरेक्टर की हिंदी में रहेगी, असिस्टेंट डायरेक्टर की एडमिनिस्ट्रेशन में रहेगी, प्लस आपकी असिस्टेंट डायरेक्टर की आपकी मार्केटिंग में यहाँ पे रहने वाली है। इसमें जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपका यहाँ पे पेस्के रहेगा लेवल 10 का यहाँ पे रहने वाला है, जिसमें 35 मैक्सिमम एज रहेगी एंड यहाँ पे 3 पोस्ट आपको दी गई है। बाकी उसके अलावा अगर हम यहाँ पे अदर बात करें तो यहाँ पे जो ग्रुप बी की पोस्ट रहने वाली है, जिसमें पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट रहेगी, असिस्टेंट कंप्यूटर एलाइड की पोस्ट रहेगी, लेवल 6 का आपका यहाँ पे पे स्केल रहेगा, 28 यहाँ पे जो पोस्ट रहने वाली है असिस्टेंट डायरेक्टर की, 47 आपकी रहेंगी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, 2 पोस्ट आपकी जो रहेंगी असिस्टेंट कंप्यूटर एलाइड में रहने वाली है। उसके अलावा यहाँ पे बात करें ग्रुप सी की पोस्ट की, स्टेनोग्राफर की यहाँ पे जो रहेगी वो आपकी 22 पोस्ट रहने वाली है, 27 मैक्सिमम एज रहेगी। सेक्रेटरीट असिस्टेंट की जो रहेगी सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की 100 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है, जिसमें लेवल 4 का पे स्केल दिया गया है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी 27 मैक्सिमम एज रहेगी, 61 पोजीशंस यहाँ पे दी गई है। हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर की यहाँ पे जो पोजिशन रहने वाली है वो आपकी 1 पोजिशन रहेगी, 27 मैक्सिमम एज यहाँ पे भी आपको दी गई है। बाकी अदर हम यहाँ पे बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी में आपकी जो यहाँ पे पोस्ट रहेगी लेवल 6 की रहेगी, जिसमें 30 आपकी मैक्सिमम एज रहेगी, 47 पोजीशंस रहने वाली हैं। बाकी यहाँ पे जो डिसिप्लिन रहेंगे मैकेनिकल रहेगा 19 पोस्ट केमिकल में, 10 पोस्ट माइक्रोबायोलॉजी में रहने वाली है। बाकी जो ग्रुप सी की नेक्स्ट पोस्ट रहेगी, जिसमें की सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट रहेगी, इसमें टोटल वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे 25 टोटल वैकेंसीज दी गई है, इसमें लेवल 4 का पे स्केल दिया गया है, प्लस आपकी वैकेंसी जो रहेंगी कारपेंटर वेल्डर में, उसके अलावा आपकी प्लम्बर में रहने वाली है, फीटर में रहने वाली है, टर्नर में रहेगी, इलेक्ट्रीशियन में रहेगी। यहाँ पे जो फॉर्म को अप्लाई करने का मोड रहेगा ऑनलाइन मोड से रहेगा, ऑनलाइन मोड से फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, बाकी कोई भी अदर मोड एक्सेप्टेड नहीं किया गया है। इसमें जो स्टार्टिंग आपकी डेट रहने वाली है 19 अप्रैल 2022 से फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, मिड नाइट आप 9 मई 2022 तक जो अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रहने वाला है, बाकी अदर क्लैरिफिकेशन के लिए आप इनके जो ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। जब भी इनका ऑफिशियल नोटिस आ जाता है, ये शॉर्ट नोटिस इनका आया था तो शॉर्ट नोटिस मैंने इनको बता दिया है। बाकी इसमें जो भी क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो मैं इसके प्रीवियस ऑफिशियल नोटिस से आपको बता देता हूँ, जो भी क्वालिफिकेशन इन पोस्ट के लिए दी गई है वो सारी सेम रहने वाली है, तो वो आपके साथ में डिस्कस कर देता हूँ। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप इसका ऑफिशियल नोटिस भी चेक कर सकते हैं, जब भी इसका ऑफिशियल नोटिस आएगा मैं उसके ऊपर भी डिटेल में एक वीडियो लेके आऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ओल्ड एडवर्टाइजमेंट नंबर है, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की तरफ से जो ओल्ड नोटिफिकेशन निकाला गया था, ये ओल्ड नोटिफिकेशन है। इसके बेसिस पे आपको मैं इसकी क्वालिफिकेशन बताने वाला हूँ, जो भी क्वालिफिकेशन असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड आपके जो भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए मांगी गई थी वो सारी आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपकी डिग्री इन लॉ में आपकी होनी चाहिए, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी आपको रेलिवेंट फील्ड से होना चाहिए। नेक्स्ट आपकी मार्केटिंग ऑफिसर की रहेगी, इसमें मास्टर आपकी होनी चाहिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मार्केटिंग में, उसके अलावा मास्टर डिग्री आपने कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर रखा है, मास कम्युनिकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर लाइब्रेरी में आपकी मास्टर डिग्री मांगी गई है, उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है आपने लाइब्रेरी साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, प्लस आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी यहाँ पे लिया जाएगा।
नेक्स्ट आपकी पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी, इसमें डिग्री आपकी होनी चाहिए, उसके अलावा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका लिया जाएगा। नेक्स्ट जूनियर ट्रांसलेटर की रहेगी हिंदी में, इसमें मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। बाकी लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन आपकी मांगी गई है, डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस का मांगा गया है। नेक्स्ट आपकी सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री मांगी गई है, क्वालिफाइंग आपका टेस्ट यहां पे रहने वाला है कंप्यूटर टेस्ट का। उसके अलावा जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री आपकी यहां पे होनी चाहिए। नेक्स्ट हम यहां पे बात करें तो जो भी आपकी यहां पे रहने वाली है, इसमें आपका ऑनलाइन एग्जाम रहेगा, ऑनलाइन एग्जाम आपका यहां पे जो रहने वाला है वो आप देख सकते हैं, ऑनलाइन एग्जाम एंड आपका यहां पे इंटरव्यू रहेगा, तो पोस्ट वाइज आप यहां पे देख सकते हैं। जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन यहां पे रहने वाला है, एग्जामिनेशन में आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर आपका जो रहेगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, वो यहां पर आप देख पाएंगे। 40 क्वेश्चंस आपको यहां पे आएंगे जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के, 40 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश लैंग्वेज के, 40 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 50 क्वेश्चंस आपके असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस, उसके अलावा आपके जो वो लीगल लॉ के आपके यहां पे रहने वाले हैं, 150 क्वेश्चंस रहेंगे 150 मार्क्स के। बाकी अदर आपका जो यहां पे सेकंड आपकी अदर पोस्ट रहने वाली है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, पर्सनल असिस्टेंट की, स्टेनोग्राफर, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में, तो इनमें जो आपका रहेगा 150 रहेंगे क्वेश्चंस जो कि आप देख सकते हैं रेलिवेंट डिसिप्लिन से आपके रहने वाले हैं। बाकी जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी एंड लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 150 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके रेलिवेंट फील्ड से रहेंगे। बाकी यहां पे जो आपका एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर रूल दिया जाएगा जो कि आप यहां पे चेक कर सकते हैं। उसके अलावा फॉर्म को अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन मोड से ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर्स जो दिए गए हैं ऑल ओवर इंडिया में आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स रहेंगे 49 यहाँ पे आपको जो भी एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए गए हैं जो कि आप चेक कर सकते हैं। सभी स्टेट में टेस्ट सेंटर्स जो भी रहने वाले हैं वो सारे आपको यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ये सभी जो आपके रहने वाले हैं वो इस एग्जाम के लिए आपके रहेंगे, तो काफी अच्छी आपके लिए यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। 300 प्लस आपके लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसका जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है, कंप्लीट नोटिफिकेशन, मैं आपके साथ में दोबारा से फिर डिस्कस कर दूंगा। बट जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो यहाँ पे आपकी जो इन पोस्ट के लिए सभी रहने वाली है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आज की वीडियो अगर आपको इम्पोर्टेंट लगी हो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए। डेली ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है इस चैनल पर ऑफिशियल नोटिस के साथ में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।